यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की पत्नी की तबीयत बिगड़ी। बता दें, स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में इलाज के बाद डिस्चार्ज किया गया। वही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अस्पताल पहुंचे थे। जानकारी के मुताबिक कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में पत्नी राजकुमारी का चेकअप हुआ। ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से अस्पताल लाया गया था। डॉक्टर्स के मुताबिक हार्ट चेकअप में सब कुछ सामान्य रहा।